हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो है कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कुछ दिन से वीडियो तो आपकी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू था, मेरी तबियत सही नहीं थी, सो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, बस क्लास भी जैसे तैसे चल रही थी। तो चलिए हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वह है इंटेलिजेंस एजेंसीज का। इसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू करेंगे एंड जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है, भारत की कौन सी है, अमेरिका की कौन सी है ना। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन स्टैटिक जीके के टॉपिक में यह भी आता है, तो जल्दी से कवर करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ASIS इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच ऑफ कंट्री, ठीक है, यह किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, तो यह किस देश की एजेंसी है, ऑस्ट्रेलिया देश की है। नेक्स्ट है मोसाद, बहुत बार पूछी जाती है मोसाद, मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है, मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी यह इसराइल की है, किसकी है, इसराइल देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि MOIS किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, सो यह ईरान की है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी से कहा जाता है ईरान की है। देन नेक्स्ट है INIS किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, सो यह इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस जो कि इराक की है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे PSIA किस देश की खुफिया एजेंसी है, सो यह पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि जापान की है। SIS किस देश की खुफिया एजेंसी है, सो यह स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस सर्विस जो कि स्विट्जरलैंड की है। द नेक्स्ट है ISI इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, यह किस देश की है, पाकिस्तान की, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसका पूरा नाम है। MIT किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, यह तुर्की, नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ना कहा जाता है। चलिए द नेक्स्ट है SASS किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, यह साउथ अफ्रीका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, साउथ अफ्रीकन सीक्रेट सर्विसेज को कहा जाता है। CIA किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, यह अमेरिका की है। द नेक्स्ट है DGSE किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, DG मतलब कि डायरेक्टोरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यह फ्रांस की है। SIS किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, यूनाइटेड किंगडम की है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सी किस देश की है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर है। चलिए देन MSS किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी चाइना की है, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मुख्यालय, यह हमारे भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स को देखने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसका मुख्यालय बताएंगे मुझे आंसर करके कहां पर है, ठीक है। तो खैर यहां पे आंसर आप लोगों को मिल गया, तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है जिसकी 1968 में स्थापना की गई थी। IB हमारी जो कि इंटरनल अफेयर्स को देखती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका पूरा नाम है, ठीक है। ये बाकी की इंफॉर्मेशन इसके बारे में, इसका मोटो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष यहाँ पर कौन है, विश्व का सबसे पुराना खुफिया ब्यूरो कौन सा है, ठीक है, यह है। द नेक्स्ट है ABIN किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ABIN यह है ब्राजीलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में आप लोग मुझे ऑफलाइन बताएंगे आंसर करके, देन मैं नेक्स्ट आपका रिपीट करूंगी, ठीक है। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, सो होप सो कि इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा ही टॉपिक था, और इसके साथ में यहाँ पे एक चीज कीजिएगा कि यहाँ पे एक बार आईबी के वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं और रॉ के जो कि वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वह एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है वह भी आप लोगों को मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। सो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसे लगी बताइएगा और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी सजेस्ट कीजिएगा जो कि हम लोग शॉर्ट वीडियो में कर सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।